सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नगर निगम यमुनानगर जगाधरी। जी हां, स्वच्छता सर्वेक्षण में हजारों वादे किए गए थे, लेकिन क्या धरातल की सच्चाई होगी इसको लेकर जो है आज बजट की मीटिंग हुई थी, जो कि काफी गर्मागर्मी का माहौल रहा। कहीं ना कहीं जो है पार्षदों और मेयर साहब के बीच में मुद्दों को लेकर मतभेद होते हुए नजर आ गई। खैर, मुद्दे को लेकर मतभेद होना लाजमी भी था, क्योंकि जनता के लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व जो है नगर निगम यमुनानगर जगाधरी को मिलता है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में जी हां सुंदरता बनाने के लिए इंदौर भी जाकर मेयर साहब ने दौरे किए थे। उस पर भी तमाम सवाल जो है हमारे कुछ विपक्ष के पार्षद मौजूद है, और लाजमी बनता है क्योंकि जनता की आवाज ये विपक्ष के पार्षद है जो यहां पर हाउस में रखते हैं, और हाउस में रखने के बाद चर्चाएं की जाती है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 3 से 4 से देवेंद्र जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना है उनका इस गर्मागर्मी को लेकर और विकास के मुद्दे को लेकर? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम वार्ड के लोगों की समस्याएं लेकर आते हैं आप लोग, और कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल था, किन मुद्दों को लेकर है जो विशेषकर आज बजट सत्र में बातचीत की गई? देखिए, आज हमारी बजट की मीटिंग थी जी। जब बजट की मीटिंग के अंदर सफाई का मुद्दा आया, हमने पूछा कि नगर निगम के द्वारा हम सफाई पर कितना पैसा खर्च करते हैं जी। तो मेयर साहब ने बताया कि हम 30 करोड़ रुपया हर साल सफाई पर खर्च करते हैं। मैंने सवाल किया मेयर साहब से, हम 30 करोड़ रुपया जो जनता का बड़ा मेहनत का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हम 30 करोड़ रुपए को शहर पे खर्च करते हैं सफाई व्यवस्था पे, लेकिन आज हमारे शहर के हालात के हैं, शहर में सफाई के हालात बदतर हैं, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और सफाई के नाम पे नगर निगम में धांधली का खेल खेला जा रहा है। जब हम ये सवाल करते हैं तो मेरे साहब को गुस्सा आता है, उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, और शहर के हालात ख़राब हैं। टीम गई इंदौर घूमने, सरकार के पैसे को खर्च करके आई, लेकिन कोई सुधार नहीं है। विपक्ष का पार्षद कोई नहीं था, टीम इंदौर का दौरा हुआ, क्या विपक्ष के वार्ड वार्ड नहीं होते? सर देखिए, मैंने सवाल किया उनसे कि एक टीम गठित हुई जी। उसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग गए, ये क्या दिखाता है कि धांधली का खेल है? वो क्यों नहीं लेके गए किसी भी एक विपक्षी पार्षद को? अगर वो फेर होते, ईमानदारी होती, तो हम 8-9 लोग विपक्ष के हैं। पूछा भी नहीं गया, ना कोई कॉल आई, ना बताया गया, चुपके से कमेटी बनाई और टिकट बाई एयर गए, क्यों ना बाई ट्रेन गए? आरटीआई लगाई जाएगी? कुछ लगाई जाएगी, बिल्कुल पूछा जाएगा, ये जनता का पैसा है, हम जनता के पैसे को व्यर्थ नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैडम निर्मला चौहान जी हैं, हमेशा वार्ड की समस्याएं लेकर आते हैं। मैम, क्या कुछ लगा आज बजट सत्र था, थोड़ा गर्मागर्मी का माहौल हो चुका था और कहीं ना कहीं उबाला जो है सातवें आसमान पर आ गया। देखिए, 3 साल हो चुके हैं पार्षद इलेक्शन को, मेयर साहब को अपनी कुर्सी पे बैठे हुए, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीआरओ लेकर रोज खबरें लगवानी, और सफाई पे तो इतना करप्शन हो रखा है, जैसे मेरे साथी ने बताया 30 करोड़ तो ये डोर डोर कूड़ा उठाने का बजट कर रहे हैं, पूरे शहर का बजट सफाई में खा गया, और आप हमारे से ज्यादा घूमते गलियों में, देखिए किस में सफाई है, कहां सफाई हो रही है। नाइट स्वैपिंग पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, जो इन्होंने वो टेंडर किया था, आप किसी को टेंडर दोगे, समय का दोगे ना, कि आपने मेरे घर में 6 महीने सफाई करनी है, साल सफाई 3 महीने, इन्होंने कहा आपने कचरा इकट्ठा करने का क्विंटल का टेंडर दे दिया, जिस दिन आपका 10 क्विंटल कचरा पूरा उस दिन आपका टेंडर कैंसिल। ये तो एक अनाड़ी महिला भी, जो अनपढ़ होती है वो भी अपने घर के बजट में ऐसा नहीं करती है, उसका टेंडर कंप्लीट हो गया और मेयर साहब को पता ही नहीं था कि टेंडर खत्म हो चुका है, अगले दिन समस्या कूड़े उठाने की हुई। हरमीन जी, सबसे जो निचला इलाका होता है, कहीं बस्ती का इलाका है, वो आपके वार्ड में तमाम समस्याएं होती हैं पिछले तौर पर, लेकिन विपक्ष की पार्षद है, क्या कुछ समस्याओं का निवारण नहीं कर पाती, यही कमी रह जाती है? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको एक गांव का मसला बताती हूँ, तेलीपुर का, जैसे है, मैं पहले जब से मैं MC बनी हूँ, आज से 3 साल हो गए हैं, मेरी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा समस्या इन पे होती है, क्योंकि मैं रूरल एरिया में हूँ, मेरी सफाई और मेरी लाइट्स को लेकर हम लोग रोज फोन करते हैं रात को कि यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, कोई भी इनको कुछ भी असर नहीं होता। सफाई के मामले में बोलो, रोड टैक्स लिए, इनके हाउस टैक्स लिए जा रहे हैं, टिम्बर वहाँ आ नहीं रहा है, जाओ सुबह सुबह तो लोग हमें व्हाट्सएप में बताते हैं, हम आगे उसको पास इट ऑन भी करते हैं, पर नो एक्शन, कुछ भी नहीं। एक तालाब है जिसका पानी रोड में आ जाता है, मैं किसी के घर में गई, किसी की डेथ हो गई थी वहाँ गई, वहाँ से मैंने 6 रास्ते तेलीपुर में, मैंने 6 रास्ते जाके कवर किए, तब मैं उनके घर पहुँच पाई। कितने घंटे में? 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि तालाब का पानी आ रहा है। और 3 साल से मेरी डिमांड यही है, लाइट्स 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 के लिए अगर बोलते कि पुरानी लाइट्स लगाएंगे, पुरानी लाइट्स में बोलेंगे मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि एक बार तो मैं कैंडल भी लेकर आई थी, उस कैंडल ने भी मेरा साथ दिया, तो मैंने मेयर साहब को बोला अभी देखो क्या करना चाहिए। लाइट 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 के तमाम मुद्दे, युवा जोश है। टिंकू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम समस्याएं, जगाधरी का वार्ड है, विधानसभा, शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री का वार्ड है, लेकिन सफाई तो वहां भी नहीं है।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भाजपा का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो मेरे ख्याल से अब उस विकास का नाम बदलकर अविकास रख देना चाहिए, क्योंकि विकास तो दूर आप लोगों के आगे है कि ना सफाई व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, सिर्फ जो मेन रोड हैं उनके ऊपर औपचारिकता कर देते हैं, ये साइड में अपना टाइल वगैरह लगा के बस, सिर्फ के जो मेन रोड पे जाने वाले लोग हैं वो ये सोचे कि बड़ा विकास हो रहा है। आप अंदर जो स्लम एरिया हैं वहाँ जाके देखो, जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जाके देखो, विकास का कार्य वहाँ पता लगता है। पार्षद इतना असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को कि वो मतलब लोगों के कहने पे एक लाइट तक भी ठीक नहीं करा पा रहा। सर अगली बार वोट मांगने जाएंगे तो क्या कुछ विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या लगता है आपको? पहली बात तो इन्होंने अगली बार वोट मांगने के लायक छोड़ा नहीं किसी को, लेकिन हम जो है फिर भी हम ये नहीं है कि हम असहाय हैं, हम विपक्ष है, विपक्ष मजबूत है। अगली बार भी लोगों के बीच में जाएंगे और यही कहेंगे इनकी जितनी भी कमियां उनको फिर उजागर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठ जाएंगे इनके दबाव। खामियां खैर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वीआईपी पार्षद से विनोद मरवा जी। विनोद मरवा जी, चाहे वो अवैध प्रॉपर्टी का निर्माण हो, चाहे वो कमर्शियलाइज प्रॉपर्टी हो, चाहे वो तमाम प्रकार की प्रॉपर्टी हो, तमाम जो है वीआईपी वार्ड आपका है, इस तरह की समस्याओं से आप समय पर अवगत कराते गए हैं, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आखिर समाधान क्यों? ये समाधान देखो इनको करना चाहिए, जो यहाँ पे नेता हैं हमारे यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं, जिनको पब्लिक ने चुन कर भेजा है, ये समस्या इन्हीं के पास है, इन्हीं को ही हल निकालना पड़ेगा जी। जो अगर हम सफाई व्यवस्था, मैं वीआईपी वार्ड से हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आपको एक भी कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर गंदगी नाली नहीं भरी पड़ी है। और अगर मैं इस मामले में मानूँ तो आप फुहारा चौक से ये वाला नाला है, आप एक बार एक ढक्कन खोल कर देख लें, आपको सारी हकीकत जमीन पर नजर आ जाएगी। तो पैसा कहाँ जा रहा है सर बजट? पैसा जा रहा है इन अधिकारियों की जेब में, इन नेताओं की जेब में। सर जल्दी जल्दी जो है पद बदल दिए जाते हैं, नगर कमिश्नर जो है एक महीने के अंतराल में बदल दिए जाते हैं, अभियंता कमिश्नर जो है एक अंतराल के समय समय पर बदल दिए जाते हैं, क्या कुछ लगता है? और अभी अभी करनाल में जो है एक नया मामला सामने आया था जिसपे अधिकारी जो है भ्रष्ट पाए गए थे, उन पर जो एक्शन लिया गया, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है जी। आज ये नहीं है, आज शहर में नाम है कि जहाँ पर अगर कभी नगर निगम का कभी नाम नहीं आता था, आज भ्रष्टाचार के ऊपर मेरे ख्याल सबसे ज्यादा नगर निगम यमुनानगर इसमें मशहूर हो चुका है कि इसमें लोग कहते हैं कि सफाई के मामले में अगर 1980 रुपए टेंडर हुआ तो वो सफाई गई कहां, उस टिप्पर कहां गए, सफाई कहीं भी जमीनी लेवल पर है ही नहीं, हर जगह पे कूड़ा 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 फैला हुआ है। और ये 30 करोड़ रुपए का अब ये टेंडर कर रहे हैं, यही हालात अगले साल मार्च में भी यही नजर आना, यही सब कुछ होना है, क्योंकि करना तो कोई चाहता नहीं है। मोटी रकम वसूली जाती है ठेकेदारों से, टेंडर देने के नाम पे मोटी रकम वसूली जाएगी। अगर मैं नाइट स्वीपिंग की बात करूँ, 5.5 करोड़ रुपए का है ये, तो हम लोग आप खुद चेक करते हैं तो कहीं ये स्वीपर भेजते हैं। मैं ये कहता हूँ ग्रामीण एरियो में तो शायद नाइट स्वीपिंग का एक भी नहीं होगा। आप देखिए जिसके बाद कुछ कहना चाहेंगे, वो भी टूटा हुआ है नगर निगम का। देखिए इनका विकास यहीं से चल रहा है। आप देखिए पिछले जब 6 महीने पहले हमारी मीटिंग थी, 6 महीने पहले हमारी हाउस की मीटिंग थी, उसके बाद विकास है। 6 महीने के अंदर हालात देखिए क्या हुआ, 6 महीने बनाए हुए नहीं है निगम में तानाशाही हावी है, वन मैन शो हो रहा है। ये पार्षदों का रूम बनाया गया था और पार्षदों के बैठने के लिए फर्नीचर था, आज एक कमरा ऐसा नहीं है जहाँ कोई पार्षद आकर बैठ सके, क्योंकि अधिकारी तो 3 जगह बैठने लगे, मिलते नहीं है, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और बैठने की जगह और कोई वॉशरूम नहीं है पार्षदों के लिए, ये कमरा था, फर्नीचर खरीदा गया था, कहाँ गया पता है। रानी कालरा जी चुनी गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या महिलाओं के मुद्दे समझ पा रहे हैं? देखिए वो तो आप, मैं किसी महिला पे कटाक्ष नहीं करूंगी, महिलाओं को कोई पुरुष बर्दाश्त नहीं करता है, बहुत मुश्किल से किसी को आगे लाते हैं कि बोलेगी नहीं तो आगे रख लिया उसको, ठीक है ना। महिलाओं के ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगी, लेकिन पार्षद मेयर साहब ने यहाँ तानाशाही हावी कर दिया, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। ये पार्षद रूम था, यहाँ पार्षदों के बैठने की कुर्सी नहीं है। सर एक बात और, हम आते हैं कोई, देखिए जैसे हमारी बहन जी ने कहा पार्षद के लिए बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, मेयर ने अपने लिए 4 ऑफिस बनाए हुए हैं, 4 ऑफिस पूरे शहर का पैसा, हमारे लिए बैठने के लिए जगह नहीं, पार्षद कहीं बैठ नहीं सकता, और मेयर साहब ने अपने लिए वीआईपी ऑफिस, ये किसका पैसा है? मेयर साहब घर का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। पार्षद को कोई सुविधा नहीं, अपने लिए 4 ऑफिस, वो भी वीआईपी ऑफिस, एक कुर्सी नहीं है यहाँ, पब्लिक के मिलने के लिए समय नहीं है। लेकिन सर गुप्त मीटिंग है, गुप्त मीटिंग में क्या एजेंडा है, मेयर साहब बताइए सबको, जो गुप्त मीटिंग होती है बंद रूम के अंदर, उसमें एजेंडा क्या है?
क्या छुपाते हैं जी। तो तमाम एजेंडों पर बात हुई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यूं ही चलती रहती है, लेकिन सर्वांगीण विकास होना बेहद जरूरी माना जाता है। खैर, इतने ज्यादा माहौल गर्म होने के बाद भी खैर 24 तारीख को हाउस की मीटिंग होगी और देखना लाजमी होगा तमाम विपक्ष के जो लोग हैं किस प्रकार के सवाल यहां पर दागते हुए नजर आएंगे। अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए B24 के साथ। नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।